प्रथम तहलका न्यूज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जी हाँ, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार जो है वो कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि अब जो जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 3,02,934 तक पहुंच गया है और इसके साथ ही जिले में अब तक 425 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1,505 हो चुकी है और आपको बता दें कि 108 कोरोना मरीजों को आज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1,505 हो चुकी है। आपको बता दें कि 108 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है।